नमस्कार। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्यीय रहा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 16 अक्टूबर 1989 को दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई कार्यभार की अधिकता को देखते हुए 1990 में दो आयुक्तों का पद समाप्त कर दिया गया। 1990 से 93 तक पुनः निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय रहा। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः दो आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इस तरह आयोग बहुसदस्यीय हो गया। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य आयुक्त हैं। इसका अनुच्छेद 326 में मताधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनके हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इनके वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, जो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तथा अन्य मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इनके कार्य की बात करें तो मतदाता सूचियां तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च करने की राशि का निर्धारण, चुनाव की व्यवस्था, चुनाव रद्द करने का अधिकार, उपचुनाव करवाना आदि इनके कार्य हैं। भारतीय लोकतंत्र में मतदाता जेल में रहते हुए वोट नहीं डाल सकता, किंतु चुनाव लड़ सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी विडंबना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।